Hello viewers, you are in Daddy's Kitchen once again and this is your chef Bunny. आज मैं अपनी मदर की किचन में हूँ, who will be a head chef today and guiding me. I'm little excited to share today's recipe because this recipe being the most weekend, you know, lovable dish for Punjabis over the decades, this is chole bhature. और this remains to be healthy as well as nutritious too and a perfect breakfast. For whole family, which is easily, you know, prepared, keeping few things pre-planned or pre-prepared at night before. This recipe is of my mother, from whom I have learned all cooking, and I always wondered that how healthy and how, you know, smartly she cooks almost everything what we order from grocery stores these days, like ketchup, jams, gulab jamuns, and many more things. And my mother being so shy for social media, she doesn't want to be videographed. I feel that's her dearness and cuteness she always has, and pureness and gentleness of heart. I always love that. And let's hope for the best. I'll be able to convince her to be a social media's face for my daddy's kitchen. And let's start up with the recipe and ingredients required for it. Yes, ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स. 1 teaspoon अजवाइन, 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon रॉक सॉल्ट, 3/4 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 teaspoon साबुत जीरा, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon छोले मसाले. और खड़े मसालों में हमें चाहिए होगा 2 red dry chilies, 2 bay leaf, 2 green chilies, 1 garnishing के लिए, और 1 हम छोटी छोटी काट के डालेंगे मसाले में, 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची और 3 से 4 पीस दालचीनी के. और साथ में हमें चाहिए होंगे ड्राई आंवला. ये हमने साथ में अपना प्याज टमाटर का मसाला बना के रखा हुआ है, जिसमें हमने यूज किया है 2 टोमेटोस, 2 अनियन, 50 ग्राम धनिया और 2-3 जिंजर क्लोव्स एंड 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स. ये हमने 1 मीडियम साइज टोमेटो काटा है, 1 मीडियम साइज अनियन, ये 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है 1 टेबलस्पून, और ये 2 आलू बॉईल करके हमने रख लिए हैं सर्व करने के लिए. साथ में इसको बनाएंगे अभी मसाले में. ये हमारे चिकपीस हैं जिनको हमने रात को भिगो के रख दिया था. इसको हमेशा बड़े बर्तन में भिगोएं, ठीक से ये फूलते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी फिर बहुत बढ़िया आती है और जल्दी बॉयल हो जाती है. और इसमें हमने ड्राई आंवला डाला है. ये छोलों का कलर ब्लैक कैसे आता है, ये सब लोग मुझसे पूछते हैं. कुछ लोग कपड़े में चाय डाल के डालते हैं, कुछ लोग जीरा पाउडर ज़्यादा भून के डालते हैं, कुछ लोग टी वाटर डालते हैं, कुछ लोग आयरन की कढ़ाई में डालते हैं, बट मैं ब्लैक आंवला यूज़ करता हूँ, जिससे बहुत अच्छा बिल्कुल ब्लैक कलर आता है. ये हमने अपना डो भटूरे के लिए गूंथ के रख लिया है, जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया है 350 ग्राम मैदा, 150 ग्राम सूजी, 50 ग्राम हमने जो ब्रेड यूज करी थी सैंडविचेस के लिए फर्स्ट वीडियो में, उसके हमने ब्रेड साइज को मिक्सी में बिल्कुल क्रम्स बना के इसके अंदर डाल दिया है. और हमने इसमें इस्तेमाल किया है 300 ग्राम दही, हमने बेकिंग सोडा कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया. इसका डो बना के हमने रख लिया है, 2 घंटे हो गए हैं, और इसको एक बार और मुक्की देंगे सो दैट ये अच्छे से डो बन जाएगा, हमारा रेडी हो जाएगा, और इसको फिर 15 मिनट के लिए और छोड़ देंगे. ये छोले हमने कुकर में डाल दिए हैं विद आंवलास, हमने कुछ भी रून में, इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, बे लीव्स, दालचीनी, रेड चिली, इलायची, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची हमने डाल दी है. और हाँ, अब हम इसको बॉईल कर लेंगे 15 से 20 मिनट, 10 मिनट हाई फ्लेम पे और 10 मिनट लो फ्लेम पे. ये हमने मसाले के लिए अपने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है. अब इस ऑयल का जलने का वेट करेंगे हम. इस डो को बढ़िया बनाने के लिए इसको हम इस तरीके से जोर जोर से मार के इसको स्लैब पे, और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे. ये देखिए व्यूअर्स, हमारा डो कितना शाइनी लग रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है. इसको हम 20 मिनट्स के लिए सेट करने के लिए रख देंगे. ऑयल ये हमारा गर्म हो गया है. अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ हींग, और इसमें हम अपना अनियन डाल देंगे अब, और इसको हम अच्छे से लाल करेंगे. यस, वी हैव टू कीप इट स्टरिंग, क्योंकि प्याज साइड से जल जाते हैं,
तो इसको हम बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। हमारे प्याज अब अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, एक चिली जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है छोलों में, बीज हमने इसलिए निकाल दिए कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो। अब इसमें हम डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 10 सेकंड का वेट करेंगे। और साथ में हम डाल देंगे टमेटोस जो हमने छोटे छोटे काट के रखे थे, एक टमेटो। व्यूअर्स, ये दोनों मसाले, हाथ का और मिक्सी का मसाला, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मिक्सी के मसाले से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी गाढ़ी आती है, और प्याज टमाटर इसलिए हाथ से काट के डालते हैं सो दैट टेस्ट आए, मुंह में आते हैं प्याज और टमाटर तो अच्छे लगते हैं। यह मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसको हमने एक मिनट रखा है। अब इसमें हम अपनी मिक्सी का मसाला ऐड कर देंगे, ये हमने मिक्सी का मसाला इसमें ऐड कर लिया है, और इसको हम एक मिनट के लिए और सौते करेंगे, फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। ये मसाले जो हैं सारे के सारे हम वैसे ही लेंगे इसको, ये हमने गार्लिक वाली कटोरी में ही डाल लिया है, और जो सारे मसाले हैं वो हम यूज़ करेंगे। अब यह अजवाइन और जीरे को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम सीधा मसालों में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, और इसी में हम डालेंगे जीरा और अजवाइन। जीरे को हमने ऑलरेडी पहले से भून के रख लिया था, इसलिए हमने अभी मसाले में डाला है। अब हम डालेंगे अपने मसाले का घोल जो हमने बना के रखा हुआ है। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें आमचूर इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि हमने आंवला डाल के बॉईल किया है, तो इसलिए खटास उसमें ऑलरेडी आ जाएगी। इसलिए अगर हम और डाल देते हैं आमचूर, या हम कुछ और चीज़ अगर इसमें इमली वगैरह यूज़ करते हैं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएंगे छोले, तो इसलिए ज़्यादा सोरनेस ना आ जाए इसके लिए आप और कुछ भी मत डालिए। इसमें से एक छोटा चम्मच मसाला हम निकाल के रख लेंगे अपने बाउल में आलूओं के लिए, उसमें हम आलूओं को सोते करेंगे। ये देखिए मैंने निकाल के रख लिया है, ये मसाला हमारा रेडी है, और इसको हमने बंद कर दिया है फ्लेम को। यह हमने छोटी कढ़ाई में एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, इसको हम जला लेंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, और फिर हम इसमें डाल देंगे जो मसाला हमने निकाला था। और अब हम इसमें आलू डाल देंगे अपने, और इसको थोड़ा सा चला लेंगे, और लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। और ये आलू हमारे विद इन वन मिनट रेडी हुए हैं, और इसको हम साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, हमने इस मसाले में बिल्कुल भी हल्दी नहीं डाली है क्योंकि ये मसाले जो डले हैं इससे इसका रेड कलर आया है, और छोले डालने के बाद ये बिल्कुल बाजार जैसे काले छोले लगेंगे। व्यूअर्स, छोले हमारे बॉयल हो गए हैं, हमने 15 मिनट में चेक करने के लिए खोले थे, तो 15 मिनट में रेडी हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और जितने भी बॉयल करने के बाद, बॉयल करने से पहले हमने खड़े मसाले डाले थे, बॉयल करने के बाद वो सारे खड़े मसाले हम सारे के सारे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारे खड़े मसाले अपने निकाल लिए हैं, और साथ में हमने आंवला भी निकाल लिया है इसके अंदर से, क्योंकि जितना कलर आंवला ने छोड़ना था उसने छोड़ दिया, बाकी मसाले में बक के इसका कलर चेंज होगा। और अब हम अपने छोले जो है मसाले में डालेंगे। ये देखिए हमने छोले अपने डाल दिए हैं इसके अंदर, और इसको अब लो फ्लेम पे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी कढ़ाई रखेंगे भटूरे बनाने के लिए। हमने अपनी एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, और इसमें ऑयल डाल के इसको ऑयल को गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। ये हमने लोइयां बना ली हैं, और इस पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिया है। जी फ्रेंड्स, हमारे भटूरे, बाकी सब फैमिली में फादर एंड मदर मेरे छोटे छोटे भटूरे पसंद करते हैं, बट बच्चे मेरे नॉर्मल साइज भटूरे पसंद करते हैं, तो ये मैंने बच्चों के लिए तैयार किए हैं बिल्कुल भटूरे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग व्यूअर्स, जब हमने इसका डो बनाया था भटूरे का, तो हमने उसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर भी डाला था, सो दैट ये अच्छे से फूलें, और इसके अंदर अच्छे से नमक के साथ
ऐसे डायरेक्शन हो के बढ़िया से भटूरे हमारे बने, खमीर अच्छा सा है। ये छोले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसको हमने अनियन और टमाटो रिंग से गार्निश किया है, साथ में दो चिलीज जिसके सीड्स मैंने फिर से निकाल दिए हैं और ऊपर कोरिएंडर डाला है। और ये हमारे भटूरे भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और ये हमारा मील छोले भटूरे का बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड पुट अ कमेंट, बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।